आपका जो है बहन को सल्यूट है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपको सल्यूट कर रहे हैं। आज रील्स का जमाना है, जब लोग मोबाइल की दुनिया में खोए हैं उस दौर में अगर कोई पर्चा पड़ रहा है ना तो ये सही। 15 सेकंड के अंदर यूजली हम आपको गांव जवार की खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज जब बनारस हम जा रहे थे तो रास्ते में एक युवती हमारे साथ मिली हुई है और DDU से पढ़ाई करने वाली है, लेकिन जन जागृति का कार्य कर रही है। इस समय जब यहाँ पर इनको जाकर स्टडी करना चाहिए, ये जन जागृति लोगों के बीच में जा रही है, ट्रेन के अंदर प्रवेश करके लोगों को बता रही हैं और लोग को पॉजिटिविटी से भर रही हैं और देश की बात कर रही हैं। तो क्यों ऐसा कर रही हैं, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। हम लोगों का विश्वविद्यालय में एक संगठन है, दिशा छात्र संगठन, छात्रों का ग्रुप है हम लोग का। तो फिलहाल हम लोग एक शिक्षा रोजगार अधिकार अभियान चलाते हुए इस ट्रेन में आए थे और इसमें हम लोगों की कुछ मांगे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर के लोगों को भी बता रहे हैं कि ये मांगे हमारे हर लोग से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारी सबसे पहली मांग यही है शिक्षा को लेकर के, कि एक अगर लोकतांत्रिक देश में शिक्षा हर बच्चे के पहुँच के भीतर होनी चाहिए, मतलब वो चाहे जिस घर में पैदा हुआ हो, एक अधिकारी का भी बेटा हो या चाहे एक मजदूर का बेटा हो, तो शिक्षा हर बच्चे के उसके भीतर हो। और ये संभव तब कैसे होगा, क्योंकि हमारे देश में तो दो तरीके की पद्धति है, एक सरकारी स्कूल है, दूसरा प्राइवेट। प्राइवेट स्कूलों में फीस अगर नहीं आप जमा करने की क्षमता रखते हैं तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती, और सरकारी स्कूल की हालत ये है कि वहाँ पे एक तो पर्याप्त टीचर नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, ना ही एक स्कूल को पैमाने के हिसाब से ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार को इस पर पहल लेना चाहिए और सरकारी स्कूलों की स्थिति को ही दुरुस्त करना चाहिए। इस पहल को सरकार तक पहुँचाने के बजाय आप लोगों तक ट्रेन का रास्ता क्यों अपना रही है? देखिए हम लोगों ने इस 10 मांगों को लेकर के 2018 में लखनऊ इको गार्डन में इन मांगों का ज्ञापन हम लोग प्रदेश सरकार को सौंपे हैं। दिल्ली में 3 मार्च को 2020 में केंद्र सरकार को भी ये इन मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन उस पर कुछ कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन इस पर जो मेन हमारा मुद्दा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोगों ने इसको पाया कि 1,000, 2,000, 10,000 लोग जाएंगे तो इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, हम इतनी संख्या में लोगों को उतारे सड़कों पर कि सरकार को हमारी बात सुनने के अलावा कोई विकल्प बचे ही ना। इसलिए हम लोग अभी ट्रेन में आए हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग इलाकों में जाते हैं, मजदूरों के बस्तियों में जाते हैं, लेबर चौराहों पर, कारखानों में, कारखानों के बाहर गेट पर या कर्मचारियों के बीच में। तो इस तरह हम हर तबके के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मुद्दा, शिक्षा और रोजगार का मुद्दा, ये हर व्यक्ति से संबंधित है। फीस बढ़ती है तो गार्जियन का जेब पे असर पड़ता है। तो ये जो काम है हमको लगता है कि आप काफी दिनों से कर रही हैं, तो क्या जन जागृति लोगों के बीच में हो रही है या फिर कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि अब हार गए हैं या फिर? देखिए एक वैज्ञानिक कभी भी ना प्रयोग करता है और सफलता नहीं मिलती है तो हार नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक जानता है ना कि कई बार प्रयोग करने में तुरंत ही सफलता मिल जाए जरूरी नहीं है, वो प्रयोग करना छोड़ता नहीं है। बल्ब का खोज ही 1200 बार प्रयोग हुआ था, उसके बाद सफलता हासिल हुई थी। हम लोग भी एक समाज के वैज्ञानिक हैं और हम समाज के तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं कि जब TV चैनल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार लोगों के बीच में गैर जरूरी मुद्दा फैला रही है, खेसारी लाल, हनी सिंह, पबजी गेम, हिंसा कार्टून, तमाम ऐसे अश्लील साइट्स पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में, तो और हम एक पर्चे के जरिए जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि फिलहाल अभी उनकी वो जो चीज़ें फैला रहे हैं उसका लोगों पर प्रभाव ज़्यादा होगा। हमारे पर्चे अभी बहुत कम पहुंच पा रहे हैं लोगों के बीच में तो उसका असर कम होगा, लेकिन एक समय में हम जानते हैं कि लोगों का जीवन ऐसा है ना कि उनके दुख तकलीफ हमारी बातों को सुनने के लिए वो खुद आएंगे। 4 साल बाद उनको समझ में आएगा कि जो आज हम लोग बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं, और हमेशा सत्य तो नहीं कभी पीछे जाएगा, सत्य अभी संख्या हमारी कम है या हमारी पहुँच कम है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आगे इसी को बढ़ना है, लोग हमारे साथ आएंगे बेशक सालों का वक्त लग जाए। अच्छा, डिजिटलाइजेशन के दौर में जहां पर अपनी बातों को करोड़ों लोगों तक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सहारा लिया जाता है, वहां पर आप लोग पर्चे बांट रहे हैं, तो ऐसा मतलब सोशल मीडिया के जितना साइट्स है, सोशल मीडिया का व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि केवल इसी से समाज में जन जागृति आएगी। सोशल मीडिया का विकल्प पर्चा नहीं है और पर्चे का विकल्प सोशल मीडिया नहीं है, दोनों जरूरी है। इसलिए हम लोग पर्चा ही केवल नहीं निकालते हैं, हम लोग 2 महीने में एक नौजवानों की पत्रिका आह्वान निकालते हैं, एक बुलेटिन निकालते हैं भविष्य सिंफनी, छोटे बच्चों के लिए कोपल पत्रिका निकालते हैं, इसके अलावा सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के नांदी पाठ नाम का पत्रिका, और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी टीमें हैं छोटी छोटी लाइब्रेरी खोल रही है, भगत सिंह पुस्तकालय, राहुल संकृत्यान पुस्तकालय, इस तरह से हम लोग डिस्कशन सर्किल, स्टडी सर्किल, हम लोग नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, हम लोगों का म्यूजिक बैंड भी है, तो हम कई माध्यमों से अपनी बातों को लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं। तो सोशल मतलब बेशक सोशल मीडिया से हम ज़्यादा लोगों तक के बीच पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ आए हैं इसका असर और सोशल मीडिया का असर आप भी कल्पना कर सकते हैं कि दोनों जरूरी है, मतलब हम इसलिए हम लोग पर्चे भी लोगों। अच्छा, आपका पर्चा जो हम देख रहे हैं इसमें काफी ज्यादा आपकी बात जो है 2 पेज में खत्म हुई है, इतना ज्यादा इसमें हम दिखाना चाहेंगे आपको कि आप देखिए कि इस साइड भी ही लिखा हुआ है, और अगर आप
प्लेस को टर्न करते हैं तो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आखिरी तक लिखा हुआ है। इतनी सारी बात को क्या लोगों के पास इतना वक्त मिल जाता है कि ये पढ़ें, या आप सारांश में एक संक्षेप में आप हमको बता पाएंगे कि क्या कुछ लिखा हुआ है? देखिए, परिचय वैसे 4 पेज का था, इस बार ये 2 पेज का छपा है और 10 मांगे हैं, लेकिन संक्षेप में 6 ही मांगे दी गई हैं। और जहाँ भी हम लोग सभा करते हैं, बात करते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं। मान लीजिए 5% लोग होंगे जो पर्चा नहीं पढ़ते होंगे, नहीं तो आधा कम कुछ पेज पढ़, कुछ पैराग्राफ पढ़ने वाले लोग भी हैं और पूरा पेज पढ़ने वाले लोग भी हैं, लेकिन फेंकने वालों की संख्या बहुत कम होती है। बेशक कम लोग पढ़ें, लेकिन वो भी हमारी सफलता है। जब आज रील्स का जमाना है, जब लोग मोबाइल की दुनिया में खोए हैं, उस दौर में अगर कोई पर्चा पढ़ रहा है ना, तो ये सही 15 सेकंड के अंदर लोग दूसरा कंटेंट देखना पसंद कर जाते हैं। और आपका जो कंटेंट है तकरीबन अगर पढ़ने में लगे तो 5 मिनट से ज्यादा, सीरियस कंटेंट है, मतलब कोई मजाकिया कंटेंट नहीं, बाद भी ये लोगों तक जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये पहल है। पूरी टीम में कितने लोग हैं और किस तरह? गोरखपुर में हम लोगों की 85 लोगों की टीम है, लेकिन ट्रेन में हम सभी लोग नहीं आ सकते हैं। हम लोग अभी नुक्कड़ नाटक की भी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं और 26 फरवरी से एक जनपद सत्याग्रह निकालने वाले हैं, एक यात्रा निकालने वाले हैं जो अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे 23 मार्च तक चलेगा। उसमें हम लोग जगह जगह पे ऐसे रुक रुक करके नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे, अपना गीत, क्रांतिकारी गीत जो हम लोग तैयार किए हैं, लोगों से बातें करेंगे, पर्चे देंगे, और एक अलग तरह का एक मुहिम चलने वाला है जो 26 फरवरी से चलेगा। कभी मौका मिले, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, बिल्कुल आपको पहुंचना चाहिए, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। और धरातल पर भी नारी सशक्तिकरण का एक बेहतर एग्जाम्पल दिया और उन्होंने ये खड़े होकर बताती है कि नारी सशक्तिकरण के लिए किस तरह से महिलाओं को आगे आना चाहिए, एजुकेशन के मामले में किस तरह से आने चाहिए। तो ये है हमारे देश की शक्ति और ये हमारे देश की नारी जो इस ट्रेनों में, जो गैरों के बीच में आकर अपनी बात को, जन जागृति आपके लिए लड़ रही है, आपके लिए आवाज उठा रही है। तो आपका जो है, बहन को सैल्यूट है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपको सैल्यूट कर रहे हैं और आपके परिवार वाले भी जो है बहुत गर्व करते होंगे इस मुहिम को लेकर। हम जानना चाहेंगे कि ये हौसला, चूंकि अब आप जो है, आपसे इंस्पिरेशन लेने वाली बात है कि मैं खुद इंस्पिरेशन लेकर, यूजली ट्रेन में मैं कभी इंटरव्यू नहीं किया था, लेकिन आपसे इंस्पिरेशन लेकर मैं कर रहा हूँ, तो ये चेतना कहाँ से आई है आपके अंदर? देखिए, हम सबसे पहले ना, हमको एक किताब मिली थी भगत सिंह की, हमारे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, तो उस किताब में भगत सिंह से हम काफ़ी इंस्पायर हुए और उन्हीं का संगठन है ये पर्चे में जो दूसरा संगठन, नौजवान भारत सभा, ये भगत सिंह का संगठन है। उन्होंने 1926 में बनाया था, बाद में अंग्रेजों द्वारा उसको प्रतिबंधित कर दिया गया 1930 में, तो उसको ही पुनर्जीवित करके इस संगठन से गांव-गांव में लोग काम कर रहे हैं। तो उससे मैं पहले बार जुड़ी थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं पीजी कर रही थी, उस दौरान हमको दिशा के छात्र संगठन की टीम मिली थी, तो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान इन चीज़ों से जुड़े और हम अभी भी जुड़े हुए हैं और मानते हैं कि हमारे जीवन का, लोगों का मकसद होता है कुछ कुछ करने का, लेकिन हमारे जीवन का मकसद है, हम सामाजिक बदलाव में यकीन रखते हैं और सामाजिक बदलाव के लिए हम अपने जीवन लगाना चाहते हैं। तो हम इसी रूप में सोचते हैं, भारत की नारियों के अंदर इस तरह की चेतना डेवलप हो रही है तो भविष्य भारत का बहुत ही उज्ज्वल होने वाला है। इनका साथ दीजिए, इनके मुहिम के साथ जुड़कर अपने और अपने देश का नाम रोशन कीजिए और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपकी चेतना लोगों तक पहुंचेगी, आप जो पहुंचाना चाहती हैं हमें वो लोगों तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद आपको भी हमारी बात पहुंचाने के लिए लोगों के बीच। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।